मनीषा गोयल पूछते हैं, विभीषण ने राम जी सच्चाई का साथ दिया था, फिर भी उसका नामो निशान खत्म हो गया, ऐसा क्यों? शंका दूर करें जी। जी हम ये कहते हैं कि जो रावण था उसका नामो निशान मिटा, विभीषण जी का नाम बहुत देर तक चला है और उसका नाम आज भी अमर है भक्ति के रूप में और उनके वंशज भी चलते रहे। इनका दूसरा प्रश्न है, पूज्य पिताजी कई सफेदपोश सत्संगी भाई लोगों को मिठाई खाना खिलाते हैं, आप जी की तरह एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं जैसा कि आप जाते हैं, वह लोग भी पता नहीं क्यों उनकी बातें मानते हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए जी, लोगों को भरपेट मिठाई खिलाना, दौड़ लगवाना इत्यादि, बाई नेम ऐसे आदमी को रोका जाए जी, आप जी की आज्ञा हो तो उनका नाम भी भेज दें जी। जी आप नाम बताइए, प्यार से मोहब्बत से हाथ जोड़ के पाखंड करने से रोकेंगे? मिठाई खाने से क्या भगवान आ जाता है? अच्छा पेट धाप लिया, वो तो पेट की अग्नि तो शांत हो गई, पर भगवान तो नहीं ऐसे मिलता, क्योंकि भगवान की तो बनाई सारी नियामतें हम खा रहे हैं। मान लीजिए भगवान ऑक्सीजन बंद कर दे, क्या होगा? कहां से खरीदोगे? तो ये तो भगवान की नियामतें हैं, हम भगवान को ही देके खुश कैसे कर सकते हैं? तो पाखंड से बचना चाहिए, डोंगी से बचना। हम तो किसी को मिठाई नहीं खिलाते, आप कहते कि आपकी नकल करते हैं। हम तो किसी के घर में जाते हैं, रूखा सूखा कुछ भी होता वही ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि पकवान बनाओ ऐसा करो वैसा करो, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप उनका अगर नाम बताते तो उनको हाथ जोड़ के सेवादार भाई समझाएंगे प्यार से, और कोई हमारी तकरार नहीं।